हेलो नमस्कार, सप्तक आर्काइव्स तरफ थी आप सौनु अने पुना थी पधारेला सर्वे कलाकारों में अपने स्वागत करिए हार्दिक। आप जानो छो कि पंडित विकास कशाळकर जी आपणे अगाउ जे बे भाईओ ने सांभळी गया छे, अरुण कशाळकर जी अने उल्लास कशाळकर जी ना भ्राता थाय अने आप जाणीए छे के विकास कशाळकर जी ए पहला त्यां बाल भारती नामनुं पूनानुं इंस्टिट्यूशन छे तेमां ए प्रोड्यूसर हता अने हवे मात्र एमने संगीत पर शिक्षण अने एना प्रचार प्रसारमां ज एमणे एमने पोतानुं जीवन अत्यारे अर्पण कर्युं छे। खूब विद्वान कलाकार छे अने आजे आपणे ए ज विद्वत्तानो लाभ लेवा એમને બે વિષયો ખૂબ સુંદર પસંદ કર્યા છે, કાનાડાના પ્રકાર અને મલ્હારના પ્રકાર। આજે શરૂઆત તો આપણે કાનાડાના પ્રકારથી કરીશું। તેઓ ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયોના એગ્રેડ આર્ટિસ્ટ છે, ઉપરાંત દેશ પરદેશમાં એમના કાર્યક્રમો ગાયનના તો થયા જ છે, તેમજ ભારતભરમાં એમની વર્કશોપ પણ બહુ જ થઈ રહી છે અને આપણે આજે એવો જ લાભ આજે અહીંયા લેવાનો છે। વિકાસજીનું આર્કાઇવ્સ તરફથી પુનઃ સ્વાગત કરીએ છીએ। સાથે તબલા પર આપણા ખૂબ જાણીતા માનીતા સુરેશ તળવળકરજીના શિષ્ય મિલિંદ પોટેજી હાજર છે, એમને તાલીમ આમ શ્યામ જોશીજી પાસે પણ લીધી છે અને તેઓ ખૂબ સુંદર સંગત કરે છે। અને જાણો છો કે ઉલ્હાસજીનું ગાયન કે ગ્વાલિયરનું ગાયન કે જયપુરનું ગાયન એક સ્પેશિયલ પ્રકારની લયદારીથી ચાલતું હોય છે અને એમાં મિલિંદ પોટેજી પારંગત છે। ભીમસેન જોશીજી હોય કે વીણા સહસ્રબુદ્ધે હોય કે પંડિત જીતેન્દ્ર અભિષેકીજી હોય, બધા જ જોડે એમણે સંગત આપી છે। તેઓ હાલ તો પૂના યુનિવર્સિટીમાં એમના તબલા અંગેના લેક્ચર્સ પણ આપે છે। આપણે એમનું પણ હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ મિલિંદ કોટેજીનું। સાથે હાર્મોનિયમ પર ખૂબ નાજુક સુંદર હાર્મોનિયમ અને ખૂબ મીઠી સંગત કરે છે શ્રી મકરંદ ખરવંડીકર ખરવંડીકરજી। જોવાની ખૂબી એ છે કે તેઓ ડૉક્ટર વિકાસ કશાળકરજીના શિષ્ય છે, એમની પાસે ગાયનની તાલીમ લે છે, પણ આજે તો માત્ર એમનો સંગત કરવાનો છે એટલે ત્રણેય કલાકારનું પુનઃ એકવાર સ્વાગત કરીએ છીએ। સાથે તાનપુરા પર આપણો વૈભવ દવે છે, તો વધુ સમય ના લેતા હવે વિકાસજીને વિનંતી કે આપ આપનું કાર્યક્રમ શરૂ કરો। ઉપસ્થિત શ્રોતાઓ, આજ આપકે સામને કુછ કાનાડા કે પ્રકાર પ્રસ્તુત કરના ચાહતા હું। શાસ્ત્રી સાહેબને જૈસે બતાયા કે કુછ રાગ કી ચર્ચા કરકે ફિર વો પ્રસ્તુત કરને સે ઉસકા આનંદ હમ લોગ અધિક લે સકતે હૈ। ઇસ દૃષ્ટિ સે કુછ રાગો કી ઇન્ફોર્મેશન દેકર રાગો કા ચલન બતાને કે બાદ ફિર હમ રાગ પ્રસ્તુત કરેંગે। જબ યુનિવર્સિટી મે હમ પઢાતે હૈ તો કઈ સારે લોગ હમકો પ્રશ્ન પૂછતે હૈ કે યે ઇતને સારે રાગ હૈ, રાગો કે કી નિર્મિતિ કબ હોઈ ઓર કૈસે હોઈ, કભી બચ્ચોં કે મન મે પ્રશ્ન આતા હૈ ઓર વો હમકો ભી બડા યે લગતા હૈ કે ભાઈ યે રાગ કુછ લોગ કહેતે હૈ હજાર સાલ પહેલે કા હૈ, કોઈ કહેતા હૈ 2000 સાલ કા પહેલે કા હૈ, મતલબ ઇસકે બારે મે નિશ્ચિત રૂપ મે
कुछ लोग जानकारी देते नहीं, जानकारी इसलिए नहीं देते कि बहुत सारे इसको मालूम भी नहीं होता कि ये कहाँ से आए हैं राग। तो हमने कुछ उसको जांच परख करने का प्रयास किया, उसमें ये जो राग है उनके कुछ उदाहरण हमको साहित्य में दिखाई दिए, उस पर से हमने अंदाजा लगाया है कि रागों की कब और कैसे निर्मित हुई। आज का जो प्रकार है कानाड़ा के प्रकार, उस वहाँ तक हम सीमित रखेंगे राग की निर्मिति का विचार। तो जब हम 13वीं सदी में हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर सा ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है संगीत रत्नाकर, शारंगदेव जी ने ये ग्रंथ लिखा, तो उसमें जब देखा तो उसमें कानाड़ा का नाम तो मिलता नहीं है, लेकिन कर्नाट नाम से एक प्रकार था जिससे कानाड़ा राग की निर्मिति हुई ऐसा माना जाता है। अब इसमें क्या है कि उस समय का जो हमारा स्वर सप्तक था वो और आज का सप्तक, इसमें काफ़ी डिफरेंस हो गया है। वो शायद है कि आज के काफ़ी राग के जैसा हो सकता है या कोई और जैसा हो सकता है, इसलिए निश्चित रूप से कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ लोगों का अनुमान ये है कि कर्नाट राग की जो धुन है वो इस कानाड़ा राग से थोड़ी मिलती जुलती है। तो जब हम इसको निश्चित रूप में देखने आगे चलते हैं तो 15वीं सदी के बाद सुहा नाम का राग जो है उसका नाम पहले आता है, मतलब कानाड़ा के भी पहले सुहा का नाम कुछ इसमें दिखाई देता है, और फिर उसके बाद सुघराई। मतलब ये है कि कानाड़ा के पहले सुहा और सुघराई, ये दो जो आज हम कानाड़ा के प्रकार मानते हैं, उसकी निर्मिति शायद है कि उसके पहले हो गई हूँ। तो उसका उदाहरण जो हमको देखने मिला उसमें ऐसा है, स्वामी हरदास जी जो 16-17वीं सदी में थे, जिनको तानसेन जी के गुरु माना जाता है, उनके एक दोहे में है, सब सखी सुघराही गावत बीन बजावत, सब सखी सुघराही गावत बीन बजावत, सब सुख मिली संगीत पगे। मतलब ये सुघराई का नाम उस समय हमको उनके एक दोहे में मिला है। उसी प्रकार से जैसे हमारे यहाँ चार मत थे 16वीं और 17वीं सदी में, जैसे कलीनाथ मत है, सोमनाथ मत है, हनुमत मत है, तो उसमें कलीनाथ के जो उन्होंने 6 राग हमारे यहाँ मुख्य माने गए, उसमें एक जो भैरव मुख्य राग माना उसका ये पुत्र राग सुहा लिखा गया है। तो दूसरी इसमें किसी ने हनुमत में दीपक राग की रागिणी में कानड़ा बताया है, तो इसके कारण हम लोग बहुत पजल में आ जाते हैं कि ये वास्तव में कब हो गया होगा। लेकिन अंदाज हम ये कर सकते हैं कि 17वीं सदी के कुछ आगे पीछे इन रागों की निर्मिति हो गई हो, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। इसमें जब कानड़ा के जो प्रकार है उसमें से पहला प्रकार हमको सुनाई देता है, उसका नाम 18वीं सदी में मिलता है, जो रायसा कानड़ा। तो रायसा कानड़ा का जो दोहा है वो इस प्रकार से, ताल मृदंग करनी डफ गावती आली बसंत ले आए, राग जय जो राई सो साज समाजनी लिए। तो रायसा का नाम सबसे पहले आता है। तो कानाड़ा के प्रकार में जो हम रायसा कानाड़ा कहते वो सबसे पहले हमको सुनाई देता है, उसका नाम पहले दिखता है। इसका मतलब ये है कि बाकी के जो कानाड़ा के प्रकार है वो शायद है कि उसके बाद में। ये सब अनुमान है, जब हमने बहुत सारी जो किताबें पढ़ी हैं तो उसमें हमको ये दिखाई दिया कि रायसा का नाम पहले दिखाई दिया और कानाड़ा वो बाद में उसको ये कर दिया। तो वो रायसा क्या है उसको पहले हम आपको सुनाते हैं और फिर उस पर चर्चा करते हैं। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि नाइकी कानाड़ा सबसे पहला है, लेकिन जो नाम दिखाई देता है उस पर से रायसा कानाड़ा, तो उसको गाते हैं। Thank you.
Yeah.
सा ये रे रे तुम कबकी
मेरी मेरी प्यारे करे वो रे तुम समा मन मोलिन
जन माल मन 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 श्याम मन 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 कैसे केले चतुराई मन मालिन मन मालिन मन मालिन मन मालिन हेरे मन मालिन मन Shama, Shama, Sundarane, Mana Molino. Shama, Mana Molino. Here, Mana Molino. सुनरी सखी मैं प्राण पिया बिन सुनरी सखी मैं सुन सुन सुनरी सखी सुनरी सखी प्राण पिया बिन कैसे के बसिया बजाई मन मोलिन श्याम मन मोलिन श्याम मन श्याम श्याम
तो ये था रायसा कानड़ा। अब ऐसा है कि रागों का जब विश्लेषण करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, पुस्तकों में लिखा है कि रायसा कानड़ा कैसे बना, तो कहते हैं नाइकी कानड़ा और शाहणा कानड़ा, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। अब शाहणा कानड़ा में रे न रे रे नो रे नो, तो दैवत का जो लगाव है वो दैवत का लगाव इसमें कुछ थोड़ा सा हल्का सा अलग है। मा पा दा नी सा दा नी पा नी नी पा मा पा दा नी सा मा पा दा नी सा दा नी पा नी मा पा गा मा रे सा रे सा नी सा रे मा रे मा पा गा मा पा दा नी पा। तो इस प्रकार से कुछ मतलब विद्वानों का कहना है कि ये जो दैवत है ये शाहणा का नहीं है। तो कुछ लोग इसलिए कहते हैं, स्पेशली आठोले साहब, विहार आठोले जी, उनसे हमारी चर्चा हो रही थी तो वो कह रहे थे कि ये तो काफ़ी का लगता है, तो क्यों ना ऐसा हो सकता है कि काफ़ी और ये नाइकी दोनों का, इसमें काफ़ी का दैवत है, ऐसा उन्होंने किताब में भी लिखा है। तो जांच करना ज़रूरी है कि वो उसी प्रकार से है या नहीं है। तो हमारे पास काफ़ी कानाड़ा भी अलग एक राग है, तो काफ़ी कानाड़ा में और इसमें फिर क्या फ़र्क होता है ये भी देखना है। तो चलिए कि पहले काफ़ी कानाड़ा देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम ये चर्चा ये निर्णय तक आके पहुंच सकते हैं कि क्या इसमें जो दैवत लगा वो काफ़ी कानाड़ा का या काफ़ी का है या नहीं है। तो पहले काफ़ी कानाड़ा सुनते हैं। आ
पर ना दैवत को देखिए मरे गर प्रकार से काफी कम है। सरे गरे गम गम पम पद पद नि द पम पम गरे रे गरे सरे सनि सा नि सा नि सरे मोरे गर आ। तो इस प्रकार से दैवत कुल है आ मोरे गर मोरे घर मोरे घर
प्रकार का चलन वो रायसा में जाते हैं। रे ग म प ध नि ध प म प म ग रे ग रे सा नि सा द प ध नि ध प म प म ग रे सा नि सा म प नि प सा नि सा नि ध प ध नि ध नि ध प म प म प म ग म ग रे स गुण पि य आ आ आ स गुण पि य आ सावरिया तोरे बिना
सगर रतिया तुम कारण सैया सवरिया सवरिया तोरे बिन मोरे सवरिया आ
तो ये था काफ़ी कनाडा। तो काफ़ी कनाडा में काफ़ी का जो रूप है, काफ़ी राग का, वो सीधी तरह से मिलाया जाता है। तो सारे ग रे ग म ग म प म प द प द नि द प म प म ग रे सारे सा नि सा तो रे ग रे सारे सा नि सा, ये एक कानड़ा की स्वर संगति मानते हैं। जैसे नी प संगति है पनी प मनी प, वैसे रे ग रे सारे सा नि सा पनी प सा नी प सा नि सारे सारे ग रे सारे सा नि सा। तो ये सारे को जो है वो बाकी इसमें नहीं आएगा। जैसे काफ़ी राग होने से, काफ़ी राग का मिश्रण इसमें से होने से सारे ग होगा, और ये जो बाकी राग जो बने हैं वो अक्सर नाइकी कनाड़ा को में कुछ और राग मिला के बने हैं, के मूल स्वरूप को नाइकी कनाड़ा माना है। तो कनाड़ा शब्द जो है या कनाड़ा जो राग का प्रकार है वो 17वीं सदी में पहले और 16वीं सदी के अंत में हमारे हवेली संगीत में या मंदिर संगीत में ये पहले इसका नाम शुद्ध रूप में हमको देखने को मिलता है। तो कान्हा से कान्हरा, कान्हा के लिए जो अलग अलग प्रकार के राग बनाए गए मंदिर संगीतों में, एक विशेषता ये थी कि हर दिन नया कुछ राग बनाना है, इस प्रकार का करके ऑर्डर दी गई थी। वैसे मतलब वल्लभ संप्रदाय में ऐसा था कि वल्लभाचार्य जी उन्होंने जो भारतीय संस्कृति का एक प्रिजर्वेशन करने के लिए यो जो पुष्टि मार्ग पुष्ट करना, तो उसको पुष्टि मार्ग जो कहते हैं, पुष्टि मार्ग में हर दिन नया कुछ तो भी करना चाहिए। और इसलिए देखिए कि सूरदास जी ने 125,000 पद लिखे, अष्टछाप कवियों ने अलग अलग प्रकार के काव्य लिखे। वैसे रागों का राग सेवा उसमें एक मंदिरों में महत्व की मानी गई थी। तो अब हर समय नया क्या राग बनाए, ये भी तो बड़ी मुश्किल की बात है। कोई खाने पीने का कोई चीज़ है तो अलग भी बन सकती है, लेकिन हर दिन राग का नया क्या करें। हमारे यहाँ जो हलवा के अलग अलग प्रकार बने हैं वो इसी कारण बने हैं। आज क्या है तो रवे का बनाया है, फिर दूसरा मैदे का बनाया, फिर तीसरे दिन कुछ भी बनाए, हर दिन नया बनाना है। भोग जो चढ़ाना है नया चढ़ाना है। अब राग में भोग नया राग बनाना है तो कैसे करना है, तो देखिए कि जी जी हाँ कभी भी पूछ सकते, अभी भी पूछिए। हाँ जी हाँ जी 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 हाँ जी 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 लेकिन अंतरे में बिल्कुल दूसरा ही कुछ जी जी मेरे ख्याल से कुछ कुछ लोग गोरे गोरे मुख को भी काफी कन्नड़ में गाते हैं जी, और लोग जैसे बादशाह का जी। तो ये जो गोरे गोरे मुख जो है वो बागेश्वरी कन्नड़ है, बागेश्वरी कन्नड़ है, काफी में भी गाते। तो वही है कि काफी का अंग जो है जो बागेश्वरी में भी आता है और बागेश्वरी का अंग काफ़ी में भी आता है, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं हम लोग। गोरे गोरे मुख, तो इसको हम लोग मान्यता नहीं देते वास्तव में। मतलब हमारी एक जो परंपरा है कि पंचम जो है बागेश्वरी में इस पद्धति से हम नहीं लेते हैं, तो कैसे वो उसको बताते हैं आपको। दूसरा बागेश्वरी का, हाँ
सगुणा पिया तुम्हारो हाँ हाँ। तो मतलब ऐसा ना कि बंदिश बनाना एक सृजनशील कलाकार की अपनी अभिव्यक्ति होती है, तो अभिव्यक्ति में उसको जो राग का चलन, इतनी सारी बंदिशें क्यों बनती है, ये जो बंदिश है जो अभी हमने गाई वो हमारे गुरु पंडित गजानन राव जी जोशी जी ने बनाई है, मोरे घर आए। तो ये प्रश्न आपके मन में जैसा वैसा हमने भी पूछा, तो उनका कहना यह है कि बंदिश कब बनती है, वो बनाई नहीं जाती, वो तो अपने आप आपके मन में एक राग जब बहुत आप गाते गाते रियाज करते करते उसमें एक कोई सुर की सुरावट कहिए इस प्रकार से आपके मन में वो ये करती है कि वो बाहर निकलना चाहती है, कुछ नया उसको जो मिलता है और उसको निकालने के लिए वो बंदिश के माध्यम से उसको निकालता है। यमन में कई सारी बंदिशें बनी, इसका कारण ये है कि यमन राग का रियाज करते करते लोगों को लगा कि भाई किसी ने ऋषभ पर उसकी सम पकड़ी, कोई किसी ने तीव्र मध्यम पर, किसी ने गंधार पर, किसी ने निषाद पर, या कोई एक फ्रेज होती है वो पकड़ी, वैसे इसमें उनको ये लगा कि ये भी स्वरूप इसमें आ सकता है, इसके कारण ही क्या। थोड़ा बागेश्वर कानाड़ा आपको सुनाएं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, मतलब नहीं ट्राई तो करता हूँ कि काफी कानाड़ा के बाद बागेश्वर कानाड़ा गा सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि दोनों इतना एक, ये सब राग आपको आज ऐसे लगेंगे सेम लग रहे लगेंगे मतलब इस साधारण रूप में, क्योंकि कानाड़ा के ही प्रकार है, तो कानाड़ा को तो छोड़ के नहीं होता है ना, तो जैसे हलवा के प्रकार एक जैसे लगते हैं वो चिवड़े जैसा नहीं लगेगा है ना उसमें तो एक कुछ समांतर धागा होता है, वो तो चलना ही चाहिए। तो देखिए इसमें रे ना रे रे द न न न ना रे न न रे 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 द रे रे द न न रे रे न न रे 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 तो ये बागेश्री कानाड़ा हो गया। एक बंदिश गाने का प्रयास करता हूँ, मैंने वैसे क्रम थोड़ा अलग किया था ताकि वो सब एक जैसा ना लगे। रे 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 ना रे ना रे रे I
आ गया ये वो वर गया रे गया तो देखिए कि पहले काफी जैसा था, बस उसी में उसी जैसा लग रहा है, लेकिन सा ग म ध प ध नि द म ग म ध संगति जो है बागिश है। ग म ध नि द म प ग म रे सा रे नि सा ग म प म प ग म रे रे सा सा ये वो वा। अब क्या नहीं चाहिए वो भी देख लीजिए। सा रे ग रे ग म ग म प म ग रे, ऐसा करने से काफी होगा। रे ग म प म ग रे ग म प ध नि ध प म ग रे, इसको लेने से एकदम बिगड़ जाएगा। सा ग म ध प ध नि ध म प ग म रे रे सा नि सा ये वो वा ये वा इधर कनाडा मिलाते हैं। ग म ध प ध नि ध म प ग म रे सा नि सा म ध नि सा ध नि सा ये बागेश्वरी। सा ग म ध प ध नि ध म प ग म रे सा नि सा सा नि सा नि ध प ध नि ध नि ध म प ग म ग म ग म रे सा ये वो वा ध ध प ध नि ध म, ऐसा करना चाहिए। सा ग म ध प ध नि ध म ध नि सा नि ध प ध नि ध म मा प ग म रे रे सा। हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय ये कर पहले बताते हैं कि पूरा बागेश्वरी गाओ और सा नि द म ग रे सा, ऐसा ना करते। सा नि द म प ग म रे सा, पहले इतना पहले सीधा करो कि ग म रे सा करके कनाडा का अंग पहले ले लो। सा ग म ग म रे सा नि सा ग म ध प ध नि द म प म प ग म ग म ग म रे सा नि सा ये वो वा। सा म ग म रे सा नि सा सा ग म ग म ध प ध नि द म सा ग म ध प ध नि द म प ध नि सा नि सा नि ध प ध नि द म प म प ग म ग म रे सा नि सा नि सा नि रे सा रे नि सा नि सा नि ध प ध प ध नि द नि द नि द प म प ग म ग म ग म ग म ग म रे सा ये वो वा। तो इसके बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा मैं कि ये राग जब हमारे गुरुजी सीख रहे थे जयपुर घराने में गुरुजी कहाँ साहब से, तो कुछ उलझ नहीं रहा था, तो वो कह रहे थे कि खां साहब ये हमको थोड़ा सा लिख के दीजिए कि इसको किस प्रकार से गाएं। तो उन्होंने कहा भाई ये देखो लिखने की तो कला नहीं है, ये संगीत ऐसा लिखा नहीं जाता, फिर भी आप कह रहे हैं तो हम आपको बताएंगे। तो जो उन्होंने जो लिख के बताया था वो इस प्रकार से था।
सा म ग म रे सा नि सा ग म ध प ध प ध नि ध म प म प ग म ग म रे सा नि सा सा ग म प ग म प म प ग म ग म रे सा नि सा ग म ध प ध नि ध म ध नि सा नि सा नि ध प ध प ध नि ध म प म प ग म ग म रे सा जे बो प नि रे ध रे नि सा नि सा नि ध प ध प ध नि ध नि सा नि सा नि ध प ध नि ध म प म प ग म रे सा नि सा नि सा ग म रे सा नि सा नि रे सा रे नि सा नि सा नि ध प ध प ध नि ध नि ध नि ध नि ध प म प म ग म ग म रे सा नि सा ग म प म प ग म ध नि सा नि सा म रे सा नि सा नि ध प ध नि ध प म प म ग रे सा जे वो और संधि इस प्रकार से पकड़ना है, देखिए कि रुकना नहीं चाहिए। प म प ग म ग म ग म रे सा नि सा ग म ध प ध नि ध प म प म प म प ग म रे सा नि सा ग म नि ध नि सा नि रे सा नि सा ग म रे सा नि सा ग म प ग म रे सा नि रे नि सा नि ध प ध नि ध नि ध प म प ग म रे सा नि सा जे वो वा लास्ट में ये ये वो वा गया ये वो ये वो वार गया इसमें यदि सा नि द प द प द नि द प म प म ग रे तो काफी बन गया है, काफी गाना है। बदलना कैसे आ 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 ये वो बार गया तो है वार को सदा तो काफी कनाडा और बागेश्वरी कनाडा में मतलब जैसे क्लैरिटी की बात है। अब कभी कभी जैसा महफिलों में हम गाते हैं, अब यहाँ तो डेमो बता रहे हैं तो हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं कि इसको इसमें ना जाए, इसको इसमें। लेकिन कला में जैसे एक राग के तौर पर जब हम गाते इसको तो उस समय गाते से उसमें थोड़ी लिबर्टी लेते हैं, तो जिसको आर्टिस्टिक लिबर्टी कहते हैं, तो उसमें थोड़ा कभी कभी काफ़ी कनाडा का भी चलन ये कर देते हैं, जिसको कि शास्त्र की सम्मति है। आविर्भाव और तिरोभाव जो प्रकार माना गया है, तो काफ़ी लोग जो है मूर्छना को आविर्भाव कहते हैं, वो गलत है। आविर्भाव तिरोभाव जो है वो उसके बाजू के जो राग है वो इतने खूबियों से आप उसमें मिलाना चाहिए उसको कि आपको एक क्षण में लगे कि अरे ये ऐसा, फिर वापस उसमें लौट आए। इसको आविर्भाव और तिरोभाव कहते हैं।
तो ये बहुत कभी कभी प्रश्न पूछा भी जाता है कि आविर्भाव क्या होता है, तो पूरा एक 5 मिनट का 2 मिनट का दूसरा राग गा लिया तो वो आविर्भावन नहीं बनेगा, वो बिगड़ गया। जो नाट्य संगीतों में कभी कभी करते बहुत ये करने के लिए, वो बात अलग है, वो शास्त्र फिर निकल जाता है। शास्त्र सम्मत ये है कि एक बड़ी बारकाई से उसमें आप ऐसा लगाव कर दीजिए कि उसके कारण वो अलग सा लगने लगे। अब एक अच्छा राग सुनाता हूँ, मतलब कौशिक कानाडा सुग्रह सुहा सुग्रह भी बताना चाहूँगा मतलब, लेकिन या तो एक कौशिक कानाडा के पहले हुसैनी कानाडा है, तो हुसैनी कानाडा क्या है वो भी थोड़ा सा मालूम हो जाए। ये दो संस्कृति का देखिए एक तरह से मिलाप है। हुसैनी एक तो धैवत ये स्वर को भी कहा जाता है, और एक हुसैनी जो है फ्रेज भी है। दस्तगाह में जैसे है ना, वो उसमें मकाम और दस्तगाह होते, उसमें होता है म प ध नि स र द नि म प, तो प ध नि स र द, ये जो है दस्तगाह का एक ये माना गया है जो हुसैनी के नाम से जाता है। तो बंदिश मैं आपको पहले सुनाता हूँ। तू आयो रे आयो रे नबी के दरबार, सिर छत्र दरो रे के दरबा सिर छत्र दरो रे अलिया, तू आयो रे आयो रे। तो अब मंत्र में देखिए बाप तनी सनी सा, ये चलन जो है ये हुसैनी का चलन माना है। म प द नि स र द नि प प म ब नि प ग म र ध र सा, म प द नि स तू आयो रे आयो रे कि दो अलग सारे ग ग ग म र रे सा, म प द नि स र द नि म प नि प ग ग म र रे सा, सारे ग म प प ग म र सा, तू आयो रे नबी के दर सिर छत्र दरो रे अलिया रे, तू आयो रे आयो रे। तो जब पर्शियन संगीत को हम लोग सुनते हैं तो उसमें जो दस्तगाह की बात जो है, वो दस्तगाह की बात यही होती है कि टू चेंज द पर्टिकुलर मूड, एक पद्धति से जो हम जा रहे हैं उसको सडन चेंज करते हैं, तो उसको दस्त मतलब हाथ, दस्तगाह हाथ रखने की पद्धति में जो स्वर चल रहे उसको बदलना, तो वो एक प्रकार से मिला के गाने की उसमें जो पद्धति है उससे ये राग निकला है। हुसैनी तोड़ी हुसैनी सारंग, फिर ये
हुसैनी कांगड़ा है, इस प्रकार के सबके इसमें चलन एक जैसा। मा प द नी सा नी सा सा मा प द नी सा रे द नी मा प ग मा रे ध रे सा तू आयो रे इस प्रकार से। जी बोलिए। जी जी अवरोह में करेक्ट करेक्ट मा प द नी सा करेक्ट। कानाडा तभी बनेगा कि जब सा द नी म प ग म रे स रे सा। हाँ जी आगरा में ही गाते हैं। जी जी हाँ नहीं वो ऐसा है कि हर एक कलाकार जो है कुछ एक अपनी अभिव्यक्ति उसमें जोड़ देता है, उसके कारण ये थोड़ा अलग भी होता है। शास्त्र तो बाद में बना, शास्त्र में हमने ये कहा कि ये इधर निषाद वो लगता है उधर वो लगता है, तो वो आप देखिए कि वो शास्त्र हम कहाँ तोड़ते हैं वो भी आपको बता देंगे ताकि जी 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 तो हाँ दैवत तो वही है कि जो ये गा रहे हैं, लेकिन जो पुराना जो पुरानी स्टाइल है या पुरानी परंपरा में तो ये गाते इस प्रकार से तू आयो रे, ये ही मतलब पुराना। और ये जैसे कहिए कि सूफी संगीत से आया है। पहले तो जैसा भी देखो कि हर एक राग एक प्रकार की धुन थी, उसको फिर राग में बदला दिया गया। रंजे यति इति रागः, तो रंजकता उसमें दिखने लगी, लोगों ने उसको राग कहना शुरू कर दिया। फिर रागों के नाम पहचान के लिए कर दिए गए, उसमें से ये राग बने। तो फिर बनाते बनाते किसी ने उसमें वो इधर से निषाद जोड़ दिया, फिर उधर से शुद्ध निषाद कर दिया। यूँ अलग अलग प्रकार की बहुत क्रिएटिव काम हमारे बुजुर्गों ने किए हैं। तो उसमें एक ही राग के दो तीन, जैसे कभी मौका लगे तो आपको बागेश्वरी कानाड़ा के दो तीन प्रकार आपको सुना देंगे हम कि कौशी अंग से बागेश्वरी कानाड़ा कैसे गाते हैं और बागेश्वरी अंग से कैसा गाते हैं, फिर वो ग्वालियर घराने में कैसा गाते हैं, आगरा में कैसा गाते हैं। तो ये तो अपनी अपनी अपना अपना ख्याल है और विचार है। तो अभी आपको कौशी कानाड़ा सुनाते हैं। अब यहाँ आपका प्रश्न बहुत रिलेवेंट हो जाता है कि कौशी कानाड़ा वास्तव में क्या है, क्योंकि कौशी के दो प्रकार माने गए हैं। एक में हम लोग बागेश्वरी बोलते हैं, बागेश्वरी को भी कौशी अंग माना गया है, और दूसरा यह है कि मालकंस। तो कौशी कानाड़ा का भी के भी दो नहीं तीन प्रकार हैं। हम एक ही प्रकार गाएंगे, लेकिन वो नायकी और ये नायकी थोड़ा दरबारी और मालकंस तीनों मिला के। Yeah.
Yeah.
मोरे बारे गरो ने या मोरे बारे गरो ने या मोरे पर करो रे अन पर इसमें प म ग रे ग म ग रे सा इस प्रकार से नहीं करना है, वो संपूर्ण मालकंस की ओर जा सके। सा ग म नि र म ग म प ग म रे सा नि सा रे ग म रे सा ग म द नि द म ग म रे नि सा ने या म हे न या पार करो Hey, brother.
गंधार पर गौर करिए, देखिए कि एक गंधार हम लगाते हैं कानाडा का और दूसरा मालकंस का। ये दैवत मालकंस का। नया मोरी बार करो नहीं।
कैसे लाख जतन कर हर वार गई लाख जतन तो यहाँ हम रुकना चाहेंगे, लेकिन दो तीन मतलब इन्फॉर्मेशन के तौर पर जो सुहा सुग्रही और सुहा सुग्रही तीनों के बारे में बात करके और रह गया शहाणा कानड़ा, तो थोड़ी चर्चा एक दो मिनट पाँच मिनट कर लेंगे और फिर हम रुकेंगे। तो पहले सुहा क्या है?
तो सुहा में देखिए कि काफी हद तक सारंग का अंग है। म प नि स रे सा नि प म रे सा, नि स रे म प नि स रे सा नि प म रे सा, ग म प रे सा, सा ग म प नि स रे सा नि प म रे सा ग म प। मतलब आमतौर पर हम लोग स्टूडेंट्स को बताते से कहते हैं कि सारंग में गंधार ले लो, आंदोलित गंधार, तो जो बात बनती है वो उस प्रकार से आ पे वो रे आ पे सब मिल गा जाब रे जाब पेहर बामोरे आ ये पेहर बामोरे ऐसा कुछ लोग लेते हैं या तो सागमप इस प्रकार से इसका चलन हम करते हैं। और ये पहला जो जैसा हमने कहा कि वो व्यास जी के एक पदों में सुहा का वर्णन उसमें मिलता है 1550 साल में, तो पहले सुहा का जो वर्णन मिलता है वो उसमें मिलता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सबसे पुराना राग होगा। उसके पहले सुहा का नाम हमको नहीं मिला तो देखने को, तो हो सकता है कि वो पहले सुहा होगा। अब सुघराई जो है तो हम लोग अक्सर स्टूडेंट्स को पढ़ाते, इसलिए एक कुछ नुस्खा हमारे पास हर समय होता है कि इसमें गंधार को मध्यम वो प्राबल्य दे दो, तो सुघराई में मध्यम को प्राबल्य दे दो, नायकी में पंचम को और शाहणा में दैवत को। इतना सिंपल है क्या बात कि इसमें गंधार, दूसरे में मध्यम, तीसरे में पंचम और चौथे में दैवत। अब देखिए हे पिया बन जा रा बन रा पिया बन जा दिन दे
तो ऐसा मध्यम में इसका प्राबल्य, ये गंधार। अब जैसे नाई की कानड़ा, सजन बिन भय निराश हूँ, पंचम देखिए, भय निराश हूँ, सजन बिन भय निराश हूँ, कौ सकी किस बिद पाऊ तरस, सजन बिन भय, पंचम पद, सजन सजन बिन भय बिन भय, सजन बिन भय, जो मध्यम पर था उसको हमने बदल बदल, सजन बिन भय सजन बिन भय निराश हूँ, कौ सकी किस बिद पाऊ तरस, सजन बिन भय सजन बिन कत नायिका अपने जिया को दुख कत नायिका, कत नायिका कत
इसमें आरोह में भी गंदा लेते सजना बेना, लेकिन हम लोग निसारे मरे मापा सजन बिन भाई सजना सजन बिन भाई निराश हूँ कह सकी के सजन बिन भाई सजन बिन भाई सजन बिन भाई। तो ये हो गया मैं की कनाडा, अब रह गया शाहाना कनाडा, तो दैवत तो आप ही गा लीजिए। तारना नहीं, इसके बाद का आपको गाने लगाएंगे, देखिए। आप कल परसों सुनने वाले, इसलिए सुंदर अंगन बैठे सुंदर अंगन बैठी सुंदर अंगन सुंदर अंगन बैठे चुन लियो मन मेर ऐसा के सुंदर अंगना बे सुंदर अंगना सुंदर सुंदर अंगना दे बाबा बाबा गा मरे धने गा दे धने रे dani da dani pa ma ga sundara angana ba ni ma ba ma ni ba ba ga ma re dani da ga ba da ga ba da ga ba da sundara angana ba ma ba ma ni ba ba ga ma re dani da pa ni pa ba de sa ni sa ga ba da dani re ni da dani ba sundara angana ba सुंदर अंगना बैठ निकस के जन लियो मन मेरा ऐसा के सुंदर अंगना बैठ अंगना बैठ अंगना बैठ मन गर में मन बज के मन गर में हे ब्रह्म नगर मन गर में मन बज के तन बांध लियो पलकन में सुंदर अंगना बे सुंदर अंगना बे ती सुंदर अंगना बे बाबा बाबा गमरे जाने दा गमर सारा जाने बाबा बाबा जाने रे जाने दा गमर बाया गमरे जाने दा गमर दायनी बाबा बाबा ने गमरे गमरे जाने दा सुंदर अंगना बे गा 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 ग
सुंदर अंगना बैठी अंगना बैठी अंगना बैठी। गोकुल अस्सु जी महाराज गाने वाले तो हम तो एक झलक बताइए आपको। अब जैसे फिर ऐसा है कि दैवत का की प्रबलता बताई, निषाद की प्रबलता है तो हम दूसरा नाम दे देंगे, अहमद कानड़ा अहमदाबाद से, अहमदाबाद कानड़ा कर देंगे उसको। तो मतलब ऐसे नाम भी जो है वो कुछ इस प्रकार से लोगों ने एक अपनी अपनी ये कर दी। एक दो मिनट ले लूँ फिर, अभी लास्ट का सुहास सुग्राही मिला के भी एक बनता है तो वो भी उसको सुहास सुग्राही कहते हैं। कहो मेरो मान, कहो मेरो मान, आन मत कर मान गुमान, रूप जो बन पर सजनी, कहो मेरो मान, आन कहो मेरो मान, मत कर मान गुमान, रूप जो बन पर सजनी, कहो मेरो मान। गर्भ त्याग चल प्राण पिया बिन, गर्भ त्याग चल प्राण पिया बिन, मूर्ख नादा कैसे तरोंगे सुख से तोरे रजनी, कहो मेरो मान, कहो मेरो मान, कहो मेरो मान, कहो मेरो मान। આટલું સુંદર ગાયન સાંભળ્યા પછી બોલવાનું મન નહીં થાય, વધારે સાંભળવાનું જ મન થાય, પણ એક સાહિત્યકાર આપણા હતા ને કર્ણાટક સંગીતના ખૂબ જાણકાર પણ અને કદાચ એમ બહુ પ્રશંસક પણ અને તરફેણ કરનારા પણ, એમને ગજબ ટીકા કરી હતી કે ભાઈ કૌશિક કાનડા જે છે તે શાસ્ત્રોક્ત રાગ જ નથી। કેમ? તો કે ભાઈ કે માલકોસ ગાઈએ ત્યારે ગાંધાર કેવો લાગે, દરબારી ગાય ત્યારે ગાંધાર કેવો લાગે, દૈવત કેવો લાગે માલકોસ ગાઈએ ત્યારે અને દરબારી ગાઈએ ત્યારે કેવો લાગે, આ બધું મિશ્રણ કે આવું ભારતીય સંગીતમાં કેવી રીતે થઈ શકે, અને એમ કે એટલે બરાબર શાસ્ત્રોક્ત રાગ જ નથી એવી ખોટી ટીકા એણે કરી। પણ આજે જ એમણે પુરવાર કર્યું કે આ બધી જ વસ્તુ ખોટી, કલાકાર મોટો છે અને કલા મોટી છે, શાસ્ત્ર તો પાછળ છે, શાસ્ત્ર તો પાછળથી બને છે ને શાસ્ત્ર તો આપણે પોતાની સગવડ પ્રમાણે બનાવેલી વસ્તુ છે। એની હાવ પણ આપણે વિકાસજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ, ખૂબ આનંદ કરાયો આજે, સાથે મકરંદજીએ પણ સુંદર સંગત કરી છે અને મિલિંદજીએ પણ સુંદર સંગત કરી, આપણે આવતીકાલે ફરી માણવાનું છે, આજે પેટ ભરીને આપણે માણ્યું છે, પણ છતાં એમ લાગે છે કે કાનડાના આટલા બધા પ્રકાર છે ને કેટલા વિવિધ છે કે ક્યારે એકરૂપતા તો ઠીક છે, ગમે રેસા કરો કે રેસા કરો ને બધું ઠીક છે, પણ ત્યાર પછી પણ જે રાગ જે છે પોતાનું એક એક પોતાનું વ્યક્તિત્વ બતાવે છે એનો આજે ખૂબ આપણે આનંદમાં માણાવ્યો છે। આપણે વિકાસજીનો ખૂબ આભાર માનીએ અને કાલે પાછા આવી રીતે જ મલ્હાર માણીશું અને બધા ઉપસ્થિત થશો। શુભરાત્રી, થેન્ક યુ વેરી મચ।